हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। गाइस, अगर तुम्हारा मेजर हेयर फॉल हो रहा है ड्यूरिंग हेयर वॉश, ऑयलिंग, कॉम्बिंग और यूजली जब भी तुम हेयर्स में हाथ डालते हो तो बहुत सारे हेयर्स हाथ में आ जाते हैं, तो गाइस इस वीडियो में मैंने इस प्रॉब्लम का 100% वर्किंग सॉल्यूशन दिया है। गाइस, जो लोग इस चैनल से पहले से कनेक्ट हैं उनको ऑलरेडी पता है डर्मा रोलिंग इज़ ए पार्ट ऑफ माय हेयर रूटीन। तो गाइस, ये है डर्मा रोलर मास बाय जीएससी का। गाइस, डर्मा रोलर में होते हैं 540 टाइटेनियम निडल्स। जब हम इसको अपने स्काल्प पे रोल करते हैं तो वो निडल्स स्काल्प में टिनी टिनी पंचर कर देती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन और सेल फॉर्मेशन, ब्लड सर्कुलेशन बूस्ट हो जाती है और न्यू सेल फॉर्मेशन होने लगती है, और यही हमारे हेयर ग्रोथ को चाहिए होता है। और गाइस, इसकी वजह से हमारी न्यू हेयर ग्रोथ भी प्रमोट होती है। गाइस, अगर तुम्हें डीपली जानना है डर्मा रोलर कैसे वर्क करता है तो मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, तुम डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख सकते हो। सो गाइस, मार्स बाय जीएससी डर्मा रोलर के साथ हम यूज़ करेंगे मार्स बाय जीएससी का हेयर वाइटलाइजर। गाइस, ये 10 डेज पहले आ चुका है, इस पर मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करी है, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। गाइस, इसमें है रिडेंसिल 3%, सौ पलमेटो प्रोकैपल 3%, बायोटिन, और इसमें कोई भी हार्श और बैंड केमिकल नहीं है। गाइस, रिडेंसिल हेयर स्ट्रॉन्ग करता है और थिक करता है एंड न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है स्कैल्प में और हेयर फॉलिकल्स में। और गाइस, अगर तुम्हारी हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम है ये उसको भी रिड्यूस करता है और साथ ही साथ ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ाता है। लेकिन इंग्रेडिएंट्स है गाइस जिसमें सौ पलमेटो, जो एक नेचुरल सोर्स ऑफ डीएसटी ब्लॉकर है। गाइस, जब हमारी बॉडी में डीएसटी लेवल बढ़ जाते हैं तो हेयर फॉल होने लगता है एक्सट्रीम लेवल। गाइस, मार्स बाय जीएससी का हेयर वाइटलाइजर डीएचटी ब्लॉकर के तरह भी वर्क करता है। थर्ड इंग्रेडिएंट है प्रोकेपल 3%, एक नेचुरल सॉल्यूशन है जो साइट्रस एंड ऑलिव ट्रीज से मिलता है। गाइस, ये सॉल्यूशन हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रॉन्ग करता है। गाइस, फोर्थ एंड लास्ट इंग्रेडिएंट है जो इसमें, वो है बायोटिन। गाइस, एज यू ऑल नो बायोटिन क्या वर्क करता है, बायोटिन प्रमोट थिकर एंड हेल्दियर हेयर ग्रोथ। गाइस, ये कॉम्बिनेशन मार्स बाय जीएससी वाइटलाइजर एंड डर्मा रोलर, गाइस ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है एंड ईजी टू यूज़ है। गाइस, इसको बस एक बार उस एरिया में स्प्रे करना है जहाँ पर तुम्हें मेजर हेयर फॉल प्रॉब्लम हो रहा है, उसके बाद अच्छे से जेंटली मसाज करनी है। गाइस ये कॉम्बो मार्स बाय जीएससी डर्मा रोलर एंड वाइटलाइजर तुम्हारा हेयर फॉल बिल्कुल स्टॉप कर देगा। और गाइस, जिन्हें बहुत ज़्यादा सीरियसली हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही है, इनका हेयर पहले थिक थे, अब थिन होते जा रहे हैं, हेयर लाइन रिसीड होती जा रही है, स्कैल्प दिखती जा रही है, बिल्कुल डेंसिटी ख़त्म हो चुकी है बालों में से, तो वो अपना हेड, आई प्रेफर कि वो अपना हेड बिल्कुल क्लीन शेव करके ये दो प्रोडक्ट बस यूज करें। चलते हैं सीधे इस एप्लीकेशन की तरफ। गाइस, स्क्रीन पे तुम्हें जैसे दिख रहा है सेम इसी डायरेक्शन पे तुम्हें ऑल ओवर हेड कहीं पे भी तुम यूज कर रहे हो डर्मा रोलर बिल्कुल सेम यूज करना है। गाइस, राइट नाउ मैं भी इस पे अपनी हेयर लाइन पे यूज कर रहा हूँ। गाइस, जब हम इसको यूज करेंगे, रोल करेंगे, तो वहां पे थोड़ा बहुत पेन भी होगा, वो पेन टॉलरेबल होगा और माइन्यूट सी ब्लीडिंग भी हो सकती है, तो गाइस कोई पैनिक होने की बात नहीं। रोलर टिनी टिनी पंचर कर देगा, जब वहाँ पे तुम मास बाय जीएससी का वाइटलाइजर लगाओगे तो वो डायरेक्टली तुम्हारे स्काल्प में एब्जॉर्ब हो जाएगा और तुम्हारी हेयर फॉल की प्रॉब्लम बिल्कुल गायब हो जाएगी। गाइस, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। मुझे इस एप्लीकेशन को करने में 10 to 15 मिनट्स लगे, और गाइस इसको बिल्कुल जेंटली प्यार से करना है, बिल्कुल विदाउट एक्सटर्नल प्रेशर के। उसके बाद गाइस, एज यू कैन सी रेड, मेरा हेयर लाइन का एरिया बिल्कुल रेड हो चुका है। अब इस पे टाइम आ चुका है मार्स पे जीएससी का हेयर ग्रोथ वाइटलाइजर लगाने का। इस वाइटलाइजर को वीक में 2 टाइम यूज कर सकते हो। मेरा हेयर लाइन का एरिया बिल्कुल रेड हो चुका है। अब इस पे टाइम आ चुका है मार्स पे जीएससी का हेयर ग्रोथ वाइटलाइजर लगाने का। तुम इस वाइटलाइजर को वीक में 2 टाइम यूज कर सकते हो। डर्मा रोलर के साथ ज्यादा इफेक्टिव है। वाइटलाइजर मास बाय जीएससी का बेस्ट अल्टरनेटिव है नेचुरल सोर्स का। इसमें इतने सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट है जो तुम नेचुरली अगर तुम अलग अलग लगाओ तो वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। गाइस, रेडेंसिल अलग हो गया, बायोटिन अलग हो गया, इसमें सारी चीज़ें एक साथ अवेलेबल हैं, तो गाइस बहुत ज़्यादा बेस्ट है। मार्स बाय जीएससी पे 30% ऑफ चल रहा है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, तुम वहाँ से बाय कर सकते हो। गाइस, तुमने बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ करे होंगे लेकिन ये मार्स बाय जीएससी का हेयर वाइटलाइजर एंड डर्मा रोलर यूज़ करो और अपना हेयर फॉल प्रॉब्लम बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर लो। हाँ गाइस, इस चैनल पे तुम्हें ऐसे ही प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे जो वाकई में यूज़फुल हो और इफेक्टिव हो, वैल्यू फॉर मनी हो। सो गाइस, आई होप यू लाइक माय वीडियो। सो गाइस, अगर तुम्हें वीडियो मेरी पसंद आई हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ गाइस, तुम्हें जिस टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए तो कॉमेंट कर दो, वीडियो आ जाएगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।